आगामी त्योहारों और अयोध्या मामले में आने वाले फैसले को लेकर शांति बनाए रखने के लिए तराना में पुलिस विभाग द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारियों द्वारा लोगों को वाद विवाद की स्थिति से बचने की समझाइश दी गई। इस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय शासकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें उज्जैन SP सचिन कुमार अतुलकर, DIG अनिल शर्मा और विधायक महेश परमार सहित कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे, जिनसे सौहार्द और शांति कायम रखने के विषय में चर्चा की गई। देखिए, आने वाले फैसले को और आने वाले त्योहारों को लेकर के हम लोगों ने एक सौहार्द समिति की बैठक रखी थी आज तराना में। इसका मुख्य मकसद ये है कि हमें किसी भी तरह की अफवाहों पर न जा करके और शहर में शांति और अमन कायम रखना है। जो भी फैसला आए उस फैसले पर सभी को सम्मानपूर्वक उसका पालन करना है। इसी बात को लेकर के आज हम सब लोगों ने यहाँ बैठक की थी और सभी लोगों से अपने अपने मत जाने और ये बैठक आई। सद्भावना रैली का भी जो मकसद है वो यही है कि शहर में अमन चैन कायम रहे और सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी भी चीज़ को अपने शांति कायम करने के लिए इसका उपयोग करें, अफवाहों से दूर रहें, स्वयं कोई निर्णय ना लें, जो भी बात है उसको पुलिस प्रशासन के सामने रखें। संदेश यही है कि जिस प्रकार तराना की जनता ने पूर्व के जितने भी त्यौहार हैं वो सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए हैं, आगे आने वाले की जो निर्णय हैं त्यौहार हैं उसमें भी प्रशासन पुलिस के साथ ऐसे ही संवाद बनाए रखें, ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे त्यौहार और जो अगर निर्णय आता है तो उसमें भी शांति व्यवस्था कायम रहे, यही पुलिस विभाग की तरह संदेश है। और चूंकि पूर्व में भी तराना के लोगों ने ये संदेश सभी जगह दिया है कि पूरे ज़िले में एक ऐसी जगह है जहाँ त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं लेकिन शांति और कानून व्यवस्था भी उसी प्रकार कायम रहती है। सोशल मीडिया का जैसे आप जानते हैं कि उपयोग दोनों तरह से होता है, कई बार अफवाह फैलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है और उसका एक सकारात्मक उपयोग भी होता है। तो यही इसमें अपील है कि जो भी व्यक्ति अगर इसका दुरुपयोग करेगा, अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 में भी इसका आदेश जारी किया जा चुका है। अपील सभी जो हमारे पुलिस के प्रशासन के सहयोगी हैं उनसे ये है कि एक सकारात्मक इसका उपयोग करें, एक संदेश समाज में जाए कि सभी लोग शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे आने वाले जितने भी इवेंट हैं उसमें रहेंगे। JSR टाइम्स के लिए तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट।